आज बहुत ही पवित्र दिन है। मैं नहीं चला सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। अज श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है। मैं पूरे पंजाबियों नूं इस शुभ दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई देना। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ते अज एक बधाई होर देनी है कि असी श्री चमकौर साहब विखे सिख इतिहास नूं दर्शाउंदा होया एक बहुत वड्डा म्यूजियम सिख संगतां नूं गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं पंजाबियां नूं समर्पित कीता है। इहदे विच 14 गैलरियां जिहदे विच पूरे सिख इतिहास नूं फिल्माया गया है। एक बहुत खूबसूरत अजूबा बनिया है जिहदा कि माननीय गवर्नर पंजाब ने अज उद्घाटन किया है। ये 2006 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने शुरू किया सी। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल की सरकार आ गई 10 साल उन्होंने इस नूं बंद तो बंद रखिया। लेकिन हुण जदों फिर कांग्रेस सरकार आई तां जदों मैनूं टूरिज्म ते कल्चर डिपार्टमेंट मिलिया गुरु नानक साहब का जन्मदिन 550 साल मनाया गया जिसकी पूरे देश विदेश दे भी शलाघा हुई। उस तो बाद इस नूं मैं फिर दिन रात लगा के आप इस नूं बनवाया है। एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनी है। कोई टिकट नहीं है। मैं समूह गुरु नानक नाम लेवा पंजाबियों नूं बेनती करना कि इहनूं देख के जाओ ताकि साडे बच्चियां नूं आने वाली जनरेशनां नूं सिख कौम बारे सिख कौम दे गुरुआं बारे सिख कौम दीआं शहादतां बारे ते खालसा राज किस तरह स्थापित होया किस तरह बंदा सिंह बहादुर जी ने इट दी इट नाल इट बजाई उह सारा कुछ इस म्यूजियम दे विच अच्छी तरह फिल्माया गया है। तुसीं सारे जणिआं नूं मैं आमंत्रित करदा कि चमकौर साहब आके इस नूं देख के जाण। सिख इतिहास दे विच इक बहुत वड्डी अजूबा जिहड़ा बण के अज सिख संगतां नूं असीं समर्पित कीता। इस तों अगे अज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि जिहड़े 3 काले कानून श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने दिल्ली दे विच लैके आंदे सी अज उन्होंने वापस लेण का ऐलान किया। ये भी कहा है कि आने वाली पार्लीमेंट दे विच ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਏ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਸ ਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
मजदूर मारे गए, लोगों के तरह तरह हो गए, टोल पलारे बंद हो गए, पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। जदों कोई चारा ना चलिया तां हुण इन्हां नूं वापस लेने पै रहे है। अज भी ऐलान होया पार्लीमेंट दे जब तक वापस नहीं होंदे उदों तक असीं देखांगे आखिरी दम तक, जब तक वापस होके रद्द नहीं हो जाते, कानून नहीं रद्द हो जाता उहदे विच पार्लीमेंट दे विच, उदों तक ऐसी हुण विश्वास करन वाले नहीं है। ते उदों तक देखांगे नाल नाल MSP है जिहड़ी, उहदी भी सानू गरंटी चाहीदी है। हुण जिस तरीके दे नाल सानू प्रोक्योरमेंट दे विच और जिस तरह दे नाल सानू शैलरां नूं तंग किया जाता है, विश्वास टुट गया है। इनू जोड़न वास्ते MSP है जिहड़ी, इनू स्टैचूटरी प्रोविजन दे विच लैके बाई लॉ सानू MSP मिलनी चाहीदी है। ये भी नाल होना चाहिए जदों ये कानून रद्द करन दा कानून आना है। इहदी जिहड़ी शुरुआत है जदों प्रधानमंत्री जी ने 30 मई 2019 नूं सौ चक्की, उसे दिने नीति आयोग का एजेंडा जारी करता। 15 दिन बाद उहदी मीटिंग हुई 15/6/19 नूं, उहदे विच रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर का एजेंडा जारी होके 15/6/19 नूं इहदी नींह रखती। उन्होंने एक सोची समझी साजिश दे नाल देश नूं पाड़न वास्ते और देश की किसानी नूं डाउन करन वास्ते, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, जे सातों खेती ही खो लीजे गई तां उन्हां नूं पता है कि इन्हां तों खेती इन्हां दी कमजोर कर दो, इह कमजोर हो जाणगे साडी खेती नूं कमजोर करके पंजाब नूं कमजोर करन दी एक सोची समझी और वड्डी साजिश सी जिहड़ी तों केंद्र सरकार नूं पिछे हटना पिया है। ते अज मैं किसानी संघर्ष नूं, किसानां दीआं यूनियनां नूं, खेत मजदूरां दीआं यूनियनां नूं, पंजाब और हिंदुस्तान दे लोकां नूं डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं शाबाशी देना चाहुंदा कि लोकतंत्र दे विच, लोकतंत्र दी जित होई है, लोकां दी जित होई है, किसानी संघर्ष दी जित होई है, संयुक्त मोर्चे दी जित होई है, खेत मजदूर दी जित होई है, देश दे हर नागरिक दी जित होई है। ते सच्चाई नित्तर के उपर आई है, जेड़े लोग डिस्टर्ब करना चाहते सी, पाड़े पाउणा चाहते सी, वोटां दी राजनीति करदे उहनां नूं पिछे हटना पिया, लेकिन देर आए दोस्त आए। ये जेड़ा कुछ इस दे नाल मैं ये भी कहना चाहता है कि अपने आप नहीं होया, श्रोमणी अकाली दल ने मोढ़ा दिता, उन्हां नूं इह विश्वास दवाता कि जी किसानी साडे नाल है ते असीं तुहाडे नाल है, साडी मिनिस्ट्री हरी रहे। कदे इह कानून नहीं आने सी जे पंजाब और देश दी किसानी दे नाम ते श्रोमणी अकाली दल उन्हां नूं मोढ़ा ना दिंदा। इह उन्हां ने अपना मोढ़ा दित्ता, अगले ने बंदूक धरी, लेकिन जदों किसानां ने श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दा घर रोक लिया, चारे पासे ते निकलना बंद हो गया, एक किसान दी उत्थे शहीदी हो गई, चारा ना चलिया, पंजाब च बढ़ना बंद करता इन्हां दा, हालांकि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसां बीबी जी ने करिया, अगले दिन एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सुखबीर सिंह बादल ने पूरे सोले गाए के जी ये कानून बहुत वधिया है, ये रहने चाहिए, थोड़ा समझ नहीं आ रही, तुसी किसानों समझो। इत्थे तक कि प्रकाश सिंह बादल बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्हां तो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उन्हां तो भी बयान दवा दिता गया कि जी ये कानून चंगे हैं, जब किसानों ने चारे पासे ते रोक ले, इन्होंने वापस ले अपने आप नूं उत्थे ते निकल के आए मिनिस्ट्री चो, लेकिन अज भी मैनूं इन्हां दे समझौते दिख रहे, अज भी यही कहिंदे कि जब तक कानून वापस नहीं लैंदे जब तक असीं वक्खरे हैं। इहदा मतलब है साजिश कई पासे तो होई है ते कई पासे इहदे दे नाल रल के अगे नूं भी पंजाब दा नुकसान कर सकदे है। इस लई
मैं आम आदमी वाले नूं बेनती करना चाहुंदा कि तुसी अज भी सोले गाते के जी ये कानून रद्द होए है, इहदे च इन्ने बंदे मर गए है, ये होया वो होया। तुसी तां भाई आप ये ना ये कानून नूं इन्हां चों जिहड़ा सब तों खतरनाक कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 उहदी नोटिफिकेशन उन्हों लागू दिल्ली दे विच कीता गया केजरीवाल जी वल्लों। मैं उन्हां नूं बेनती करना चाहुंदा है कि केंद्र सरकार ने रद्द करने का ऐलान करता है, कृपा तुसी भी करो इस तों पहला कि पार्लीमेंट बुला के नरेंद्र मोदी जी इन्हां नूं रद्द करन, अपने उपरों कालख लगा लो ला लो ते नोटिफिकेशन रद्द करके इन्हां नूं रद्द कर दो जिहड़ा तुसी कीता होया। ये कानून तां आम आदमी पार्टी ने भी फैसिलिटेट कीते, उन्होंने नोटिफिकेशन करके दिल्ली दे विच लागू कीते है, ते इत्थे आके कहिंदे जी असीं इन्हां कानूनां दे खिलाफ है, वोटां लैणियां किसानां दीआं। दिल्ली दे विच किसानां नूं पानी फ्री नहीं दिंदे, बिजली फ्री नहीं दिंदे, इत्थे आके कहिंदे असीं वोटां लैणियां। लेकिन मैं कहना इन्हां तों वोटां दी राजनीति नहीं होनी चाहीदी, ये राजनीतिक गल नहीं है, ये समाज और देश की एकता अखंडता और किसानी जिहड़ा कि साडा अन्नदाता है उसनों भुखारी बनाउण दी जिहड़ी सोच है उस दे खिलाफ ये संघर्ष जिहड़ा होया संयुक्त मोर्चा का, अज उस दी जित होई है। मैं संयुक्त मोर्चा नूं खेत मजदूरां नूं किसानां नूं पंजाब दे लोकां नूं देश दे लोकां नूं डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं बधाई दिंदा जिहड़ा कि यह कानून वापस ले गए है, वापस अजे होने है, जद तक ये वापस नहीं होंदे सानूं पहरा देण दी लोड़ है, सानूं चकन्ने रहण दी लोड़ है। ये ना हो कि जी लड्डू मुक गए यार ने टुट गए भैड़ी वाली लड्डूआं दी वोटां वोटां तक सीमित ना रहने, लोग ये कानून वापस तो आने हैं ते MSP जिहड़ा वो कानून दे रूप विच मिले। ते मैं बेनती करना चाहुंदा है कि सरकार पंजाब दे विच किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, हर वर्ग दे नाल असीं मिलके चलना चाहते हैं। ते जिहड़े किसान मैं पहला ऐलान कर चुकिया इहदे विच संघर्ष दे विच शहीद होए है, ये कोई मैं अज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन तो कह रहा, तो असीं दे भी रहे नौकरियां, असीं सारिआं नूं उन्हां नूं इक परिवार नूं नौकरी दे रहे दवांगे, ते नाल नाल इक मेमोरियल इस संघर्ष दे नाम ते किसान यूनियन जिस तरह उहदा नाम दसांगे, असीं इक पंजाब दे विच ढुकवीं जगह ते वड्डा मेमोरियल इस संघर्ष दे, क्योंकि लोकां दा संघर्ष है आजादी तों बाद जे कोई वड्डा संघर्ष चलिया तां इह है जिहने पंजाब ही नहीं पूरे देश विच डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं तगड़ा कीता है, डिक्टेटरशिप नूं नत्थ पाई है, डिक्टेटरशिप नूं कहा है कि इत्थे तुहाडे वास्ते कोई जगह नहीं है, ये लोकां दा राज है, लोकां दे मुताबक चलेगा, तुसीं इक तरफा डिसीजन नहीं कर सकदे, ये नहीं है कि वोटां पार्लीमेंट च पईआं ही नहीं तुहानूं पूरीआं, तुसीं कानून लागू करता, राज्यसभा च वोटां पईआं ही नहीं कानून लागू करता, इस तरह नहीं चलना, लोकां दा ही राज चलना है, मुड़ के देश दे विच इक डेमोक्रेटिक सिस्टम सही तरीके नाल चले, लोकतंत्र सही तरीके नाल चले, वो होया इस लई ऐसी इस संघर्ष का एक मेमोरियल पंजाब दे विच बनावांगे और वड्डे पद्धर का बनेगा। पंजाब सरकार वल्लों विधानसभा का स्पैशल सैशन बुला के ये कानूनां नूं रद्द किया गया है। इस तो उपर अकाली दल वालों 2013 यही कानून जिहड़े लेके आते सी साडी सरकार ने, जिहड़े लोकां दी अज सरकार पंजाब दे विच उसने रद्द किया है इन्हां कानूनां नूं। 13 वाला कानून पंजाब दा भी असीं रद्द किया ते अमेंडमेंटां उह भी लै जिहड़ियां कितें खिलाफ सी, सो असीं उह भी किया जो पंजाब सरकार वालों गलत किया गया सी। केंद्र दे भी कानून असीं रद्द करन वास्ते रेगुलेशन लिया के एक अपने आप नूं विधानसभा चों निर्देश जारी कराए हैं कि यह कानून पंजाब दे विच लागू ना होवे। पंजाब दा रवैया देख के, सरकार दा रवैया देख के, एकता देख के, पर 3 दिन पहलां तां जे मेरी किसानां दे नाल मीटिंग हुई ते उत्थे असीं पूरी एकता दिखाई है किसानां दे नाल, किसानां दीआं सारीआं मंगां मन्नीआं, केंद्र नूं समझ आ गई कि पंजाब सरकार किसान मजदूर पंजाब इक तरफ खड़ा है, इस लई इह कानून रद्द कीते गए हैं। मैं हुण अग्गे इक बेनती करना चाहुंदा कि BSF दा जिहड़ा दायरा वधिया है, ये भी वड्डी लड़ाई है,
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਾਪਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਸ਼ਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੇਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਰਾਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 101% ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨੀ ਕਬਲ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਲਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੱਲਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਹਨ
रूपरेखा तैयार करांगे सुप्रीम कोर्ट च जा रहे है वकील कर ले है कोर्ट दे विच केस पा रहे है ते नाल नाल जेकर नहीं मनणगे तां संघर्ष दी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।